पुरी में धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, उमड़ी भीड़। नमस्कार, मैं संजना भारती और टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सदियों से चली आ रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज पूरी भव्यता के साथ निकाली गई। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रथ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 500 से अधिक लोगों को रथ खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रथ यात्रा के दौरान पूरी शहर में सोमवार की रात 8 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा। रथ यात्रा में जितने भी लोग शामिल हुए उनके मुख से श्रद्धा भाव के साथ साथ भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी आस्था साफ देखी जा सकती थी। इसे देखने और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। इस यात्रा के दौरान लकड़ी के बने विशाल रथों को श्रद्धालु अपने हाथों से खींचते हैं। इस यात्रा में शामिल 3 अलग अलग विशाल रथों में श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान होती हैं। जगन्नाथ मंदिर को देश के 4 धाम में से एक धाम माना गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के दौरान पुरी के राजा गजपति महाराज ने झाड़ू से छेरा पहरा की रस्म अदा की। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रथ यात्रा की व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं। हर रथ को खींचने के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी इसकी निगरानी करेगा। कोरोना महामारी के बीच कोलकाता में इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में ही रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने से पहले ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर को सैनिटाइज किया गया। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने रथ यात्रा पर रोक का आदेश दिया था, जिसके बाद मंदिर परिसर के अंदर ही रथ यात्रा निकालने का फैसला किया गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के लिए तैयारियां चल रही हैं। रथ यात्रा में शामिल होने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा और निगेटिव पाए जाने वालों की ही रथ यात्रा में आने की इजाजत होगी। शहर में प्रवेश के सारे पॉइंट जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे बंद रहेंगे। ओडिशा से मैं संजना भारती के साथ पीसी गृहचर्या की एक खास रिपोर्ट।